हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप जो है पिछले लेक्चर देख के आए होंगे और आप जो है दो नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसको करके आए होंगे बच्चों। और आज हम बात कर रहे थे भाई, दो नंबर क्वेश्चन करने के बाद हम बात कर रहे थे आज हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जो कि चैप्टर नंबर 16 है आपका, किसका? 10th साइंस का बच्चों, जिसमें डिस्कशन हमारा कहां तक पहुंचा था, दो नंबर और एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उसको कर लिए थे और आपको काफी हद तक इस चैप्टर का जानकारी मिल गया था। और आपको एक नंबर के जितने क्वेश्चन है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा करके, और दो नंबर के क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करते हैं इकाई 3 का चैप्टर नंबर 16, चार अंक वाले प्रश्न, जो जिसका भाग एक है, फिर भाग दो में और पूरा जितना बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की शुरुआत कर लेते हैं। चार अंक के जितने भी क्वेश्चन है उस पर आज डिस्कशन कर ही लेते हैं भाई। कैसे? क्योंकि भाई हमें जो है दो नंबर एक नंबर क्वेश्चन तो मिल गया, ऐसा ठीक है। अब चार अंक के जो मिलने वाला है उसको तो अच्छे से देखेंगे, क्योंकि चार अंक ही आपको क्या करना है इसमें से मैनेज करना है इस चैप्टर से, ताकि आपको जो दैनिक जीवन में रसायन, जो चैप्टर नंबर 17 है, उसमें से भी आपको मैनेज करते बन जाए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अच्छे से क्वेश्चन करिए, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि इसको भी अच्छे से करना पड़ जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, एमसीक्यू पूछ दिया, तो आप फिर इसमें खत्म हो जाएंगे ना। इससे अच्छा इसका भी शुरुआत करते हैं, इसको भी अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो इसी कड़ी की शुरुआत करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कि आपको कई बार डिस्कस किया था भाई, क्या कि बहुलक से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है सर, और बहुलक के क्वेश्चन क्या बोलता है, 2020 2017 इसमें बार बार रिपीट होता है और हमेशा पूछा जा सकता है, और बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बहुलक किसे कहते हैं, और एथीन के जो बहुलक बहुलीकरण है उसको अच्छे से समझाइए, अच्छे से ढंग से समझाइए बोल रहा है। तो चलो भाई इस पर डिस्कशन चालू करते हैं। बहुलक के बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताते आया हूं। छोटे छोटे जो है एकलक जिसके भार कम रहते हैं, मोनोमर बोलते हैं, वो आपस में मिलाकर बनाते हैं बहुलक, जिसका परमाणु भार जो है अनुभार जो है अधिक होता है, ये कहलाती है आपके बहुलक। डेफिनेशन जैसे देखना चाहे तो हम बात करते हैं, बहुलक सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं, जो कि बहुत सारे एकलक से मिलकर बना होते हैं, जैसे कि चर्चा में मैं कई बार कर चुका हूं भाई इसका। ठीक है, ये हुआ बहुलक। अब एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। अब क्या होता है सर, ये एथीन है, ये एथीन ही पॉलीथिलीन बनाता है, एथीन को ही एथिलीन बोल देते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यही एथीन को मैं बोल सकता हूं क्या भाई, एथिलीन। अब एथिलीन बोलते ही मुझे पता चल रहा है कि सर पॉलीथिलीन जो है यही से आया होगा, तो उसी पॉलीथिलीन की जुगाड़ में, उसी पॉलीथिलीन को पाने के लिए एथीन क्या करता है, कुर्बान करता है अपने आप को दो भागों में। कैसे? उच्च घनत्व वाले और कम घनत्व वाले, क्या आपके LDPE बोलते हैं जिसे, है ना, मैं बात करूं इसको हम दो दृष्टि दे सकते हैं, कम घनत्व वाला पॉलीथिलीन है ना LDPE, और एक होती है क्या, एक होती है उच्च घनत्व वाली पॉलीथिलीन HDPE। इसके माध्यम से वो क्या करता है, पॉलीथिलीन बनाता है, एक जिसमें डेंसिटी कम होता है और एक जिसमें डेंसिटी ज्यादा होता है। तो हम बात करते हैं कम घनत्व वाले पॉलीथिलीन, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीथिलीन बोल सकते हो या पॉलीथिलीन भी बोलो, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, ठीक, पॉलीएथिलीन। ठीक, यदि एथिलीन एथीन के बहुत सारे अणुओं को 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 330 से 470 केल्विन, केल्विन समझ में आता है बच्चों, फारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, ये क्या है भाई, ताप मापने की क्या है भाई, पैमाना है ना, 330 से 470 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो हमें ऐसा पॉलीथिन मिलता है जिसका घनत्व तो कम और गलनांक उच्च होता है। देखो भाई क्या समझ में आया कि सर जब मैं कम घनत्व तो वाली बात कर रहा हूँ, कम घनत्व तो वाले पॉलीथिन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे टेम्परेचर फिक्स रखना है, और टेम्परेचर फिक्स रखूंगा और एटमोस्फेरिक प्रेशर जो दबाव है ना उसको भी मैं फिक्स रख दूंगा, और मुझे क्या पता चलेगा सर, घनत्व कम और गलनांक उच्च वाला क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, एक पदार्थ मिलेगा। क्या पदार्थ मिलेगा भाई, अब बोला है एथिलीन लेना है तो क्या करोगे, n नंबर ऑफ एथिलीन, ठीक है सर, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये जो है किसके उपस्थिति में, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को पता ही है क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये खुद क्रिया भाग नहीं लेगा लेकिन रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देता है। ये उत्प्रेरक से कितने डिग्री सेल्सियस है भाई, 330 डिग्री से 470 केल्विन के बीच में और इतना 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये क्या करता है, इसको इसको तोड़ देता है किसमें भाई, छोटे छोटे एक, देखो क्या करता है, एकलक में बना देता है ऐसे, और ये क्या करता है, बहुलक बना देता है, कैसे भाई, CH ये ऐसा बनता है सीक्वेंस, ये कार्बन, ये ऐसा और ये ऐसा,
ठीक है, एच बोल सकता हूँ, ये भी एच लग सकता हूँ, ये एच, और ऐसा कर दो इसको, और इसको बाहर में लिख दो ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ क्या बताता है कि इसको बढ़ाते जाओगे तो ये चैन जो है चलता रहेगा। कार्बन के एक संयोजकता पता है आपको, चार संयोजकता होती है, और ये क्या करता है, पूरा सिक्वेंस, पूरा चैन श्रृंखला बनाता रहता है, ये तो पता ही है ना। बस वही तो है, ये यही तो है पॉलीमर, यही तो है बहुलक। वो बोलता है कि छोटे छोटे आप जैसे NCH2CH2 लिए हो, जिसको क्या बोलते हो, एथीन बोलते हो, अब यही एथीन जो है एन नंबर ऑफ एथीन लेने पर ये जो है बहुलक के फॉर्म में चैन के रूप में बनाता रहता है। अब ये इतना जो टेम्परेचर है और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बताता है LDPE को, लो डेंसिटी को बताता है, कम घनत्व वाला क्या है आपका पॉलिथीन को बताता है, और मैं बात करूं हाई घनत्व हाई डेंसिटी वाली तो मुझे पता चलता है कि जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉलीथिलीन है उसमें एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन के अल्प मात्रा के साथ 473 केल्विन पर, देखो टेम्परेचर देखना, सॉरी दाब देखना, 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तो हमें पारदर्शी पॉलीथीन मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन या फिर HDPE कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ये भी क्या करता है, ये भी आपका क्या करता है, जो एथिलीन है उसको ही एन नंबर ऑफ एथिलीन को लेकर चलता है और क्या कर देता है, इसको भी बना देता है चैन के रूप में, बहुलक बना देता है। कैसे भाई, देख लो, एन नंबर ऑफ CH2 ले लो, ऐसा भी ले सकते हो HCHH, ठीक है, एन नंबर ऑफ CH2 ले लो। अब CH2 फिर ये किसके उपस्थिति में, उत्प्रेरक तो रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे पूरा, आपको रिएक्शन भी और ये जो थ्योरी लिखना है आपको, बट इतना ही लिखना है, कुछ ज्यादा एडवांस नहीं लिखना है। क्यों सर, 10th क्लास की बात है ये, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा 12th में आपको, लेकिन 10th क्लास में कितना लिखना है जिससे आपको 4 नंबर मिले, 2 नंबर उसमें मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें, आपके उपयोग भी बता दो, आपको पॉलिथीन बनाने में, टायर बनाने में, और कहाँ कहाँ होता है, बर्तन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ये सब में इसका यूज होता है, लिख दो, 4 में 4 नंबर आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जानना भी जरूरी है, तो जान तो गए हो क्या है ये, घर में भी यूज करते हो आप, है ना, कितना भाई, 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको 450 केल्विन में गर्म किया जाता है सर। फिर क्या मिलता है, कार्बन 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 का चैन बना दो भाई, एन नंबर ऑफ चलता रहता है, ये आपका बहुलक पॉलीमर प्राप्त हो जाता है, ये चैन चलता रहता है भाई, कंटिन्यू चलता रहता है और तब तक आपको प्रोडक्ट ना बन जाए तब तक ये चलता रहता है, और यही जो है बना देता है क्या, बहुलक को बहुलक बना देता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये अगर कोई बोल देगा कि पॉलीथीन कैसे बनता है, क्या बोलोगे, एथिलीन को एन नंबर ऑफ एथिलीन लेने पर इतना जो टेम्परेचर, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर, इतना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराने पर ये सब प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बात समझ में आई, यहाँ से समझ में आया, तो ये जो है बहुलक लिखने पर आपको कितना नंबर मिल जाएगा बच्चों, बताओ भाई, 4 में 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रखा ही नहीं है, बहुलक किसे कहते बताना है आपको, डेफिनेशन इसमें, अगर डेफिनेशन में अगर आधा नंबर है, आधा नंबर इसमें मिल गया, ठीक है, अब एग्जांपल दोगे उसमें भी, चलो आधा नंबर मिल गया, 2 एग्जांपल देने पर 1 नंबर हो गया, अब डेढ़ डेढ़ नंबर ले लो LDPE और HDPE में, ठीक है, फिर आपको क्या मिल गया, टोटल 4 में 4 नंबर मिल गया। वो क्वेश्चन पूछने वाले ऊपर डिपेंड करता है, वो पूछ दिया सिर्फ बहुलक क्या है इसको समझाइए, तुरंत बता सकते हो, ठीक है, उसके उदाहरण 100 उदाहरण समझाइए इसको बता देना है। अगर वो कुछ नहीं बोला, 2 नंबर ने पूछा है, तो कोई जरूरत नहीं है LDPE और HDPE को एक्सप्लेन करने का, बस आपको बताना है बहुलक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में लिख देना है ये जो है एथिलीन का, कैसे करना है, LDPE और HDPE से इसका उदाहरण है, बस 2 नंबर मिल जाएगा भाई। लेकिन 4 नंबर ने पूछा तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 12th में भी पूछा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस हो जाता है। चलो हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। पॉलीविनाइल क्लोराइड की संघनित संरचना लिखिए और इसके कोई दुरुपयोग लिखे, 2020 में ही पूछा गया था, मतलब उसके अथवा पूछा गया था, है ना। अब ये क्या होता है, चलो चर्चा करते हैं भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इस पर चर्चा करते हैं भाई। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या होता है सर, तो रिएक्शन में आने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले ही लेते हैं पहले कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, PVC, देखो अगर मैं बात करूं PVC का, तो ये विद्युत कुचालक होते हैं। विद्युत कुचालक मतलब क्या, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, आप कुछ भी पहन लो इसको, मतलब पहन लो मतलब क्या, उसको ले लो पहन लो, उसके बाद आप क्या करो, करंट के लिए जाओ, है ना, क्या होगा, करंट के लिए मतलब वायर के पास जाओ, क्या होगा, उसमें विद्युत का फ्लो होना चांसेस कम रहेगा। इस कारण से पीवीसी का जो है उसको जनरली क्या करते हैं, लेकिन ये भाई आपकी बॉडी जो है, बॉडी में क्या होता है, विद्युत का संचालन हो जाता है, क्यों,
बॉडी में NaCl भी फ्लो होता है, हर चीज केमिकल रिएक्शन होता रहता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको बिजली उजली के बीच में जाके PVC पहन जाए वाली बात करना नहीं है। लेकिन ये बता दूं कि जो आप रेनकोट यूज कर रहे हो है ना, और आप जो है साइकिल वाइकल में जितना भी आप कुछ बहुत सारे स्टाइल से जो आप यूज कर रहे हो बच्चों, क्या बहुत सारे उसमें लोगो देखना और बहुत सारे देखना, जैसे टायर भी लगा रहता है, टायर में भी PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनता है ना, रेनकोट से बहुत एग्जांपल मैं आने वाला हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड की आवश्यकता होती है, और जो विनाइल क्लोराइड होती है उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, गर्म किया जाता है, और तब जाके आपको क्या मिलता है भाई, तब जाके आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, प्राप्त होता है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का फार्मूला एक बार रटने की देरी है, आपको याद करने की देरी है, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लोगे। क्यों सर रिएक्शन हमें समझ में नहीं आता, कोई बच्चा बोल दिया मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये तो जानते ही होंगे आप, ये क्या है भाई, एथिलीन है। अब इस एथिलीन से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है, उसमें आपको डाल देना है क्या, जो हजार बार बोलते आया हूं मैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब क्या क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को क्या कर दूं भाई, क्लोरीन को मैं एक हाइड्रोजन की जगह में रख दूं। फिर मुझे क्या समझ में आया कि सर इसी को ही क्या बोलता हूं मैं, इसी को ही बोलता हूं मैं विनाइल क्लोराइड, क्या बोलता हूं बच्चों, विनाइल क्लोराइड। तो सर यही विनाइल क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करूंगा क्या, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि इसका फार्मूला ये दिखाई दे रहा है। अब कोई बच्चा बोला मेरे को सर ये तो वही दिखाई दे रहा है, सेम डिटो, तो सेम तो ही है, लेकिन देखो चैन, देखो चैन, चैन मतलब श्रृंखला, देखो श्रृंखला बनाना ही उद्देश्य है, बहुलक क्या है, अनेक सारे एकलक जो है मिलकर बहुलक बनाता है। तो सर ClCHHH ये हुआ आपका एक विनाइल क्लोराइड इतना। अब ये चैन देखो यहां तक खत्म हो जाना चाहिए डबल बॉन्ड बना के, लेकिन ये चैन देखो टूट गया है, सीक्वेंस से बढ़ रहा है, फिर ClH आ गया, HCCH, फिर ये चलेगा, फिर Cl आएगा, H आएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, ये एकलक बनाता जाएगा, सॉरी ये एकलक जो है मिल मिलकर बहुलक बनाता जाएगा, और आपको मिल जाएगा क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उपयोग बता ही देता हूँ, जैसा कि मैं डिस्कस किया, घर में पाइप वगैरह यूज हो रहा है, ये भी PVC का एग्जाम्पल है, घर में देखो ये आपके नल वल लगता है बच्चों, नल वल में भी जो पाइप लगता है वो भी PVC बना रहता है। अगर नोटिस नहीं किए हो तो घर में जैसे कंस्ट्रक्शन काम होगा कभी, या फिर पड़ोसियों के घर में भी अगर बन रहा है तो जाके देखिएगा, जो लिखा रहता है उसमें PVC बकायदा लिखा रहेगा उसमें, कि क्या होती है इसमें इंग्रेडिएंट, क्या क्या मिला हुआ है, ये क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, सब चीज लिखा होता है, बस आप अवेयर होकर देखिएगा है ना। तो और क्या साथ में, और जैसे हमारी ये दीदी देखो योगा कर रही है, वो किसमें बैठी हुई है भाई, जैसे योगा मैट बोलते हैं, योगा मैट, ये सब किससे बना होता है भाई, PVC से मिलकर बना होता है। और आपके रेनकोट जो है, हम जो है बरसात के दिनों में क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं ताकि पूरा बदन जो है सुरक्षित रहे पानियों से, तो पूरा पानी जो है बाहर से ही क्या हो जाता है, आता है, हम क्या करते हैं शक्तिमान जैसे पहन लेते हैं रेनकोट, पानी से भीगते च नहीं है, और बेचारा आपके जो बारिश वाले जो बूंद है वो बोलते हैं कि हम तो इसे भगा नहीं पाए, वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, और हमें कौन बचा लेता है, रेनकोट है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जो कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। रिएक्शन कुछ नहीं था बच्चा, हलवा है एकदम, रिएक्शन जो है ये याद रखना, विनाइल क्लोराइड क्या है, ये है एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लेना है, एन नंबर, एन क्यों जरूरी है, एन का मतलब यह है कि मैं कभी अगर बात करूं एक का, मैं कभी बात करूं दो का, कभी तीन का, मैं सीक्वेंस बढ़ा सकता हूं, कितना मात्रा मैं विनाइल क्लोराइड लेना है उसको मैं रख सकता हूं, यही जो है नंबर इधर आके इसके नीचे आ जाता है, ताकि यह बताता है कि यह चैन कब तक चलने वाली, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बच्चों, Cl बस लाना है किसमें, एथिलीन के फार्मूला में, और इसको सीक्वेंस को चैन को बढ़ाना है कैसे सर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यहां पर त्रिभुज डाल दो, मतलब क्या गर्म कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। तो इस प्रकार हम क्या क्या जान ले भाई, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बहुलक और PVC के बारे में हम देख ले। अब नेक्स्ट लेक्चर में भाग दो मिलेंगे, जितने बचे हुए क्वेश्चन उस पर भाई। और मैं बताना चाहूंगा हमेशा की तरह आपको फिर से, कि आप बिल्कुल अपने पढ़ाई को एकदम जोर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लाइए और उनको बताइए कि हम जो है आपके लिए एग्जाम सीरीज मिशन चला रहे हैं, वो आफी को ध्यान में देखते हुए बनाया गया है, और आफी के लिए हमारे पूरा फैकल्टी लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, और एक दिन जरूर आपको सफलता मिल जाएगी बच्चों, बस कंटिन्यू बरतिए, कंटिन्यू अपना मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, धन्यवाद।